हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बच्चों। जो मुझसे आप डाउट पूछ रहे हैं, उन डाउट्स में जो क्वेश्चंस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि और बच्चों को भी पता चल जाए, तो मैं उनके वीडियोस बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप भी इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बेसिकली ये क्या क्वेश्चन है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल 3x² - 5x + 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू यानी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तो वो किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर होती है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, -1/6, 1/6, 1/12 एंड -1/12। ओके, इसमें बच्चों क्योंकि आप लोग अभी 10th क्लास जस्ट करके आए, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इसमें, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आती है वो डायरेक्ट c - b² / 4a आती है। और इसकी डिटेल में फिलहाल ना जाएं आप, ठीक है, क्योंकि अभी आपको कंपटीशन देना है एक महीने बाद ही, तो अननेसेसरी दिमाग में मैस होगा कि ये बेसिकली इसके पीछे क्या, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब बात के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधी सीधी बात है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू c - b² / 4a। बस यहाँ पे c की वैल्यू रखिए, b की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू रखिए, माइनस फार्मूले का हिस्सा है, फोर फार्मूले का हिस्सा है, स्क्वायर फार्मूले का हिस्सा है, ये हमेशा लगेगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू यहाँ पर कितनी बच्चों 2, ओके, माइनस ये वाला माइनस लगा दिया क्योंकि ये बेसिकली फार्मूले का हिस्सा है। फिर ऊपर क्या लिखा, -5² क्योंकि b की वैल्यू कितनी हमारी आपके -5 है, और नीचे 4 लगाया और इनटू 3, इसको कैलकुलेट किया जब तो -1/12 आया, और यही आंसर है इसका। तो आंसर को हम बेटा इसको मान लें, ये ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आप लोग भी एक बार ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, कभी कभी भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे इसको याद कर लीजिए, क्वाड्रेटिक अगर फार्मूला कहीं दे रखा है आपको, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखी है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए, तो जस्ट गो थ्रू दिस डायरेक्ट फार्मूला। ओके, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।